सारी वैक्सीन स्वाहा, बस ये तो एक बहाना था रिटेल इन्वेस्टर को डराना था, अच्छे शेयर निकलवाना था। तो जैसे कि आपको पता ही है, आज मार्केट में बहुत अच्छी रैली चल रही थी मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद जब मॉर्निंग में रैली चल रही थी, ओके, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया था, 50,100 का लेवल छुआ था, ओके। और उसके बाद आपको पता ही है, लगभग 300-400 पॉइंट वहाँ से गिरा था, और निफ्टी भी देखिए ऑल टाइम हाई से किस तरीके से नीचे गिरी, फिर उसके बाद रिकवर किया। तो इसके पीछे रीज़न क्या था वो सब के जानेंगे, एक पर्टिकुलर शेयर है उससे रिलेटेड जानेंगे, ओके। और जैसे कि आपको पता ही है, एक कंपनी, ये जो फैक्ट्री है इसमें आग लग गई है, कौन सी फैक्ट्री है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल, जो हमारा सबका चैनल है, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में। तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट हो जाए, ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ, नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, बहुत अच्छी से भी रजिस्टर्ड है, 0 डिलीवरी चार्जेस है, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, और बहुत अच्छी कस्टमर सर्विसेज है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया है आज, एज वेल एज सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है। बट जैसे जैसे हम ऑल टाइम हाई थे, तो नीचे नीचे गिरावट होती हुई नजर आई, और अचानक एक न्यूज़ आई, और न्यूज़ ने और भी उस जिसे कहते हैं ना जलती हुई आग में घी डालना, तो उस घी डालने का काम कर दिया। और वो न्यूज़ क्या थी? तो वो न्यूज़ थी ये क्या न्यूज़ आई? तो ये न्यूज़ है सीरम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ पर वैक्सीन बन रही है पुणे में, ओके, वहाँ पर आग लग गई है, और आग की वजह से लोग डर गए और सोचने लग गए कि शायद वो जो सीरम इंस्टीट्यूट जो मैन्युफैक्चर कर रही है जो वैक्सीन, ओके, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, और कोरोना वगैरह की जो दवाई बन रही है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसी कुछ न्यूज़ थी, न्यूज़ आई, तो और उस शेयर में भी गिरावट होती हुई नज़र आई, एज वेल एज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में भी गिरावट होती हुई नज़र आई। बट जैसे जैसे न्यूज़ कन्फर्म हुई कि वैक्सीन को कुछ नहीं हुआ, और तो मार्केट ने दोबारा रैली पकड़ी, ओके, और क्लोजिंग होते होते लगभग जहाँ पर कल क्लोज था उसके आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। और अगर बात करें तो देखिए, मार्केट तो मॉर्निंग से ही, जो मुझे लग रहा है, मॉर्निंग से ही गिरी हुई थी ये। अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, तो मॉर्निंग से ही ये मार्केट गिरी हुई थी। कोटेक, HDFC बैंक, ITC, क्योंकि मैं सबको देख भी रहा था, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो ये सारे के सारे शेयर्स मोस्टली गिरे ही हुए थे। और मार्केट ऊपर किस वजह से थी? तो मार्केट ऊपर थी, आपको पता है, रिलायंस का जो वेटेज है, ओके, इंडेक्स में, और वो आपसे अछूता नहीं है, लगभग 14% की का वेटेज है। तो देखिए रिलायंस आज के दिन लगभग अच्छा खासा उसने जंप दिखाया है, ओके, 2 से 3% के जंप है, एज वेल एज टाटा मोटर्स तो कंटिन्यूस भागी रहा है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने उसका हाथ पकड़ रखा था। तो यही कुछ स्टॉक्स थे, ओके, जो चुनिंदा स्टॉक्स थे, उन्होंने ही मार्केट में रैली ला रखी थी। अदरवाइज आप देखेंगे ना, बड़े बड़े बैंक्स, कोटेक, HDFC, जिसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, मारुति, तो सारी कंपनी, TCS, सारे IT के स्टॉक्स, सब कुछ मतलब गिरा ही हुआ था, सारे के सारे शेयर्स हैं आप देखेंगे रेड में ही थे, बट स्टिल मार्केट बहुत ऊपर थी। तो कह रहे थे कि मार्केट ऊपर है, तो देखिए मार्केट ऊपर होने के पीछे रीज़न यही था, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो चल रहे थे, बाकी निफ्टी 50 में मोस्टली स्टॉक्स गिरे हुए थे। बट जैसी न्यूज़ आई तो वहाँ पर बिकवाली शुरू हुई, और बिकवाली शुरू हुई तो यहाँ पर गिरती हुई मार्केट हमें नज़र आई, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई। और मुझे नहीं लगता फॉरेन इन्वेस्टर ने, देखिए कल भी अच्छी खासी 2200 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है, तो आज के दिन भी उन्होंने खरीदारी डेफिनेटली करी होगी, और मार्केट ऑल टाइम हाई जाना ही है, ओके, अभी 50,000 टच किया है, आने वाले टाइम में 50, 55 और 60,000 को भी टच करेगा ही, ओके, तो डरने की बात नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड, ओके, बट प्रिकॉशन लेके डेफिनेटली चलना है। और जो ये न्यूज़ आई थी कि वैक्सीन में आग लग गई है, वैक्सीन के प्लांट में, तो देखिए वैक्सीन का प्लांट जहाँ पर ये आग लगी है यहाँ से काफ़ी दूर था, ओके, तो उसमें, उस प्लांट में कुछ नहीं हुआ है, और वैक्सीन सारी की सारी सही है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और जो ये न्यूज़ थी, अगर हम न्यूज़ की भी बात कर ले, तो फायर हिट्स बिल्डिंग एट वर्ल्ड्स लार्जर वैक्सीन मेकर्स इन इंडिया, ओके, बट उस बिल्डिंग में नहीं आग लगी जिस बिल्डिंग में होने क्या कहते हैं, सोच रहे कि जहाँ पर वैक्सीन बन रही थी, तो वहाँ पर सेफ है, एवरीथिंग इज़ गुड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और अगर हम बात करें यहाँ पर, एस्ट्राजेनिक हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू मेक 1 बिलियन डोजेज़, तो यहाँ पर देखिए 1 बिलियन डोजेज़ यहाँ पर बनाने की बातें भी चल रही है, ओके। और आपको पता ही है, जो ये कंपनी है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिया इंडिया की नंबर वन वैक्सीन बनाने के मामले में है, और यही कंपनी है जो जो लार्ज स्केल पर कोविड वैक्सीन बनाने जा रही है इंडिया में, और इंडिया एक इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ कोविड-19। तो यहाँ ये कंपनी का शेयर में बहुत जल्दी आपको उछाल आता हुआ दिखेगा। बट अगर पिछले एक महीने की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग ये अगर हम देखें तो 20% 19% की गिरावट अब भी है, तो इसकी तरफ नज़रें बना के रखिएगा। ये शेयर बहुत बेहतरीन शेयर है, डेट फ्री लगभग शेयर है, वर्चुअल डेट फ्री शेयर है। तो देखिए इसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, वॉलीटिलिटी है क्योंकि बहुत छोटा शेयर है। ओके, मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं है, 8,000 और 9,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। बट स्टिल जिस तरीके की रैली यहाँ पर है और जिस तरीके का काम ये कर रही है, तो आपको देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और ये कंपनी में आप सोच सकते हैं पोजीशन बनाने की, बट उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, आज के दिन की बात करें तो लेके लगभग 45.63% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाती हुई नज़र आई है। 52 वीक लो 1885, 52 वीक हाई तो देखिए 5,000 के लगभग ये शेयर जा चुका था, और वहाँ से आते आते लगभग अभी कितना है तो अभी 3810 रुपये का ये शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजिशन बनाते हैं ना, तो एक दो महीने में जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी, जैसे जैसे उसके रिजल्ट आएंगे अच्छी हुई, तो आपको ये शेयर रुकता हुआ नज़र नहीं आएगा, बहुत तेज़ भागता हुआ नज़र आएगा। तो इसकी तरफ ध्यान जरूर बना के रखिए। और इसके अगर हम कुछ फंडामेंटल और इसकी बैलेंस शीट को देख ले, तो देखिए पहले तो देख लिए एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और मार्केट कैप 9,823 करोड़ का है। करंट वैल्यू आपको पता ही है क्या चल रही है, 3810 रुपये। पी देखिए 121 है, पी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। आरओसी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, लगभग 33.9%, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। 30% आरओसी अगर हमें मिलता है तो आप समझ लीजिए काफ़ी अच्छा वो शेयर है। एज वेल एज अगर हम बात करें, देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और 40.40% का CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स, पाँच मतलब पिछले 5 साल से इतने 40% के इस पर CAGR से ये कंपनी भाग रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई हमें नज़र आई है। ओके, 2019 के मुकाबले थोड़ी सी कम है, बट स्टिल चलेगा। कंपनी जिस तरीके से अब वैक्सीन पे काम कर रही है, ये जितने भी ये आंकड़े हैं सबको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो लगी है 36 करोड़ रुपए का इस बार का प्रॉफिट है, जो कि लगभग सभी ईयर्स में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं। बस यहाँ पर और यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है। नेट प्रॉफिट अगर थ्रू आउट बात करें तो देखिए 26 करोड़ रुपये का है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स देख लीजिए, अभी इस साल की जो सेल्स है पिछले 12 महीने की लगभग 822 करोड़ रुपए की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 116 करोड़ रुपए का है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर साल में सबसे ज़्यादा है कितना, 81 करोड़ रुपए। ओके, बीच में तो माइनस में कंपनी चल रही थी, जो अभी पॉजिटिव है। CAGR मैं दिखा चुका हूँ आपको, लगभग 40% के CAGR से कंपनी भाग रही है पिछले 5 साल से। वो बैलेंस शीट की आप बात करें तो देखिए रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, 400 करोड़ रुपए के लगभग कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी चली रही थी। ओके, बट यहाँ पर मार्च में और थोड़ा सा आपको 12 करोड़ रुपए का डेट लेते हुए नज़र आई है, बट 12 करोड़ रुपए इनके लिए कुछ भी नहीं है, जब चाहे तब छुड़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का नहीं है, बट अगर हम कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 252 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको कैश इक्विवेलेंट उनके दिख रहा है। टोटल एसेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैश फ्लो भी देखिए 87 करोड़ रुपए का कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए 75% शेयर किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है। और इसी देखिए ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले कम करी थी, और इस क्वार्टर में जैसे वैक्सीन बनाने की न्यूज़ आई तो यहाँ पर दिसंबर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके, यहाँ पर 1.98% की हिस्सेदारी थी, जो बढ़ते हुए 2.36% की हिस्सेदारी हो गई है। तो इस कंपनी की तरफ आप नज़रें बना के रख सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी उन्होंने कम करी है 1.46, पर पब्लिक के पास 21.18% की हिस्सेदारी अभी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और उनमें से भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इन लोगों ने किसी ने 2.5% की, किसी ने 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है। तो देखिए ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के। अगर ये शेयर आप कल की डेट में और भी गिर जाता है ना, तो लोग तो देखिए उठाएंगे उठाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से भी सोचते हैं ना, अगर सीरम को भी छोड़ देते हैं अलग, वैक्सीन को भी छोड़ देते हैं अलग हिस्सों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से भी ये कंपनी आपको बेहतरीन रिटर्न देती हुई आपको नज़र आएगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस कंपनी ने कितने
तो अगर हम बात करें, एक मिनट, तो अगर हम ओवरऑल भी बात करें ना, तो इस कंपनी ने लगभग 6,000% के रिटर्न्स, 7,000% के तक के रिटर्न्स दे के दिखाए हैं। तो इस कंपनी की तरफ ध्यान बना के रख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और क्या चाहिए आपको। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है पायो सेल का, अगर आप खुद की स्टडी करिए, एज वेल एज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे आपके चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को हिट करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपको इस तरीके की वीडियो लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।